रोते कैसे है? ये रोने की ना मेरी शक्ल बहुत गंदी लगेगी, ये नंबर का अच्छी पैकिंग है ना। पार्टी दी जा रही है भैया के द्वारा, ये भूख ने कुछ नहीं दिया इसके, तो सांस से फूल गई, इसकी सांस से कौन सी अच्छी लगेगी मेरे पे? हैं ये वाली पिंक कलर दो। हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम टू फैशन ब्लॉग एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। और आज सुबह सुबह उठा मैं तो इतना ज़्यादा शोर, घर में इतना ज़्यादा शोर, मैंने कहा क्या हो गया भाई, शोर क्यों है इतना। आज जो दोनों गुड़िया हैं उनको कभी इधर लेके जा रहे हैं, कभी उधर लेके जा रहे हैं, कभी इधर लेके जा रहे हैं, और सुबह सुबह वो इतना घूम रहे जितना वो पूरे दिन में घूमते हैं। क्यों? क्योंकि आज हैं कंच के, तो दोनों वी आई पी हुई हैं, हमें कोई नहीं पूछता कभी भी किसी भी दिन भी, लेकिन आज के दिन वो दोनों हैं वी आई पी। वैसे ही उनको तो डेली जो भी आ जाए वैसे उनकी पूछ तो रहती है, बच्चे हैं तो बच्चे सबको प्यारे वैसे ही रखते हैं। अभी समय हो गया स्टोर पर निकलने का, 10:34 हो गया और स्टोर ओपन मैंने करना है जाके। वैसे तो विशाल आ रहा है लेकिन जो कीज़ हैं वो मैंने क्लोज करी थी, तो वो कीज़ हैं मेरे पास, इसलिए मैं फटाफट से निकलता हूँ स्टोर के लिए। आपको मिलता हूँ मैं स्टोर, ठीक है जी। पहुँच गए हम स्टोर पर, वैसे समय हो गया है लगभग 1:37, लगभग नहीं एग्जैक्ट 1:37 हो चुके हैं। वो मैंने इतना लेट शुरू किया क्योंकि आते ही कस्टमर थे तो उनको अटेंड करने लग गया, और अपना अरविंद भाई आया हुआ है, और ठीक हो भाई आज फिर मैं वही शर्ट डाल के आया हूँ पहले बार। वो बहुत दिनों बाद आया ना, क्या होगा फिर, मैं रोज़ वही 3 टी शर्ट है रोज़ पहले जाता हूँ, कुछ कर नहीं सकते भैया, ड्यूटी है, गर्ल बॉय तो कैजुअल डाल सकते हैं। विशाल मार रहा है मैडम को, डांट मैडम काम कर लो, ये कर लो, वो कर लो, सुबह से क्या हुआ विशाल जी, फोन चला रही है काम, इतनी मेहनत करती है मैडम, पता है तेरे को, सोच भी नहीं सकता है ना मैडम, बहुत मेहनती है मैडम, बहुत मेहनती, बहुत मेहनती है, समझ से बाहर मेहनती है। क्या खाएगा विशाल हमारे लिए, कुछ लाएगा? विशाल धक्के खाएगा, धक्के विशाल तो कुछ जाएगा खाना खाने आज घर जाएगा, विशाल भी आई पी है भाई, विशाल का कोई मुकाबला थोड़ी कर सकता है। विशाल खाना खा के नहीं, क्या कर रहे, क्या कर रहे, छेद शावर बनाऊंगा, शाम को है मैडम की पार्टी, विशाल जी आ चुके हैं, मैडम बैठी है वहाँ, भैया अभी आ रहे हैं और पार्टी करेंगे धूमधाम से, क्योंकि भैया के फास्ट भी खत्म हो चुके हैं, तो मैडम का खर्चा कुंडा बढ़िया वाला पक्का है। मेरे फोन ना, मेरे फोन, एक सेकेंड दो, हमारा शाम को अंदर बैठेंगे बात तो ठीक है, कंजर बैठ चुकी है, शाम को कंजर बैठेंगे, लेकिन हम वो वाले कंजर नहीं है, हम अच्छे वाले कंजर हैं, हम सिर्फ हाँ फास्ट फूड खाते हैं और कुछ। मालिक भी आ गए हैं, मालिक कैसे हो मालिक, आज ग्रीन ग्रीन बन के आए हो, क्या बात, ठंड लग रही है, दो टी शर्ट डाल के आए हो, सैंडो है ब्लैक ब्लैक सैंडो दिख रही है, मुझे लगा दो टी शर्ट में, इतनी कौन सी ठंड हो गई है मैडम को लगती है, सर बता दो ना, अपने आप करो मैडम, जमा घटा भी नहीं होती आपसे, कमाल होगी, मैं फटाफट लंच कर लेता हूँ, ये तो पागलों की तरह लगे रहेंगे, क्या गुस्से में लिख रहे हैं उसके, पहले मार लिया, शर्म नहीं है इसको, अभी इतनी तेज मुक्का मारा कुत्ते ने, यहाँ पे इतनी दर्द 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 हो रही है मेरे को, इतनी तेज और इतनी देर से दर्द हो रही है मेरे को, सही है ना, बदला लूँ फिर मैं भी मारूंगा बेटा, वो तो है ही नहीं रोने की ना मेरी शक्ल बहुत गंदी लगेगी, एक नंबर का रो रही थी, बता दो मैडम कैसे रो रही थी अपने, उस दिन क्या कह रहा था, संस्कार संस्कार ये संस्कार है इसके, देख ले इतना बदतमीज लड़का है, और अभी जा रहे हैं हम कुछ माल लुटाने, क्या लुटाने आपको दिखाएंगे रास्ते में या फिर वहाँ पे पहुँच गए, चलो चले चलो जी, आज की सवारी भैया के साथ, और आजकल मैं बैठता हूँ पीछे व्लॉग करने के लिए, और जो भी मेरे साथ होता है वो चलाता है एक्टिवा। अरे भाई ये गाड़ी कहाँ लगा दी बाबू जी, चलती है भैया की, भैया घर में 4-5 ऐसे अच्छे रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना भैया, रहते हैं ना ऐसे अच्छो सब ठीक है। अभी एक जाना है एक शॉप पे, कुछ पैक करवाना है मैंने किसी के लिए, उसके बाद कुछ परचेज़ करनी है छोटी सी,
वो भी आपको दिखा देते हैं, अगर कुछ पसंद आ गया तो, नहीं तो ना सही। गिफ्ट हमारा रेडी हो चुका है, अच्छी पैकिंग है ना, बहुत सुंदर पैकिंग है। इसके अंदर क्या है वो मैं नहीं दिखा सकता, ना बता सकता, लेकिन शायद दिखा दूंगा ये इसके ओपन होने के बाद में। तो शॉपिंग हो गई है हमारी कंप्लीट, अभी हम जा रहे हैं सीधा स्टोर के लिए, और बस दो चार मिनट में पहुंच जाएंगे स्टोर पे। थोड़ा सा टाइम लग गया, आधा घंटा हमको लग गया, लेकिन कोई बात नहीं, स्टोर पे जाकर दिखाता हूँ क्या लिया है। वैसे तो ये गिफ्टेड है मेरे बर्थडे का, मतलब आया बर्थडे के बाद, क्योंकि मैं ही आलसी था, मैं ही नहीं जा पाया, और अब जा चले गए हैं तो अब ले लिया है, और आपको दिखा देंगे क्या है क्या नहीं। सीधा मिलते हैं आपको स्टोर पर जाके। पहुँच गए हैं दुकान पर। मैडम फटाफट पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लो और मोजिटो, पार्टी का इंतजाम करा दिया भैया ने, 7 बजे जाना, उससे पहले खा लेंगे, भूख भी बहुत तेज लगी है बाहर घूम के आके। भैया बोले आपसे मोमोज खाएं, मैं कहा नहीं आप तो फ्री में खाएंगे, आज मैडम दे दीजिए पार्टी, फटाफट से करवा लेते हैं मैडम से ऑर्डर। क्या हो गया भैया? भैया ने मोमोज खा लिया गरम गरम, मुँह में भूख लगी थी भैया को, भैया का मुँह चल रहा है, इधर देखना भाग गया बाहर। पानी मोमोज आ गए हैं हमारे, पार्टी दी जा रही है भैया के द्वारा, ये भूख ने कुछ नहीं दिया, इसकी तो सांसें फूल गई थी, इसकी सांसें। मैडम ने कहा कि मैं मंगवाऊंगी जिस उससे लेना पड़ेगा, बट हमको नहीं चाहिए था, फिर मैडम ने अंदर से ना मन्नत मांगनी शुरू कर दी। मैडम कह रही कच्चा बेल रोड से खा लो, बबलू के पकोड़े, बबलू के पकोड़े कौन खा रहा है, बबलू के पकोड़े खाने हैं बताओ, 10 रुपये पाइया वाले। बस बस जा, अभी शाल जी खाएंगे, हम खाएंगे मोमोज, अब ठीक हो गए, ठंडे हो गए, कर रहा भूख लगी है ना, खा रहे हैं, कोई बात नहीं, बात हो चुका है वैसे अंधेरा, और लाइट इसके साथ चलेगी अभी फैंटा, यहाँ आ गया हमारी फैंटा भी साथ में, चस्के हम पूरे यहाँ खाएंगे तो पूरा डंगा खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। अभी एक कस्टमर आया, क्या बोला वो कस्टमर बताइए, मैडम को कहता था उसकी नो, भैया कहता है अपना सैलरी कम देते हो, भैया बोले 7 तारीख को, माइक मेरा कहते गुड़िया को ना इस बार 10 किलो घी के पैसे पहले दे दो, वरना इस बार की सर्दियाँ नहीं पकड़ती, निपट लेगी। भगवान ये बोली सर मैं पहले से ही ऐसी हूँ, मैंने इतनी सारी सर्दियाँ निकाल दी, मैं ये भी निकाल दूंगी, सच में कह रहा था ना सर, और जनवरी फरवरी में चली जाएगी। आलू पूड़ी बटेगी, फोन आ रहा है एक बार गुलाटी साफ करो, जाओ आंटी 4 बजे तक दे देना, शनिवार को 4 बजे ले लेंगे, 4 बजे तक लेना है, 4 बजे तक मैं बाहर जाऊँ, लगी रहेगी। देख लो दोनों कप से लड़ रहे हैं, और अभी ना हमारे यहाँ पे एक छिपकली इसके अंदर है, कहाँ है भैया। अभी हम प्लानिंग कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ गेट के पास, और विशाल फेंक रहा है इसके ऊपर छिपकली, और इसको मैं बाहर नहीं जाने दूंगा, कर दे भाई काम, कर काम उठा ले, उठा लेना, नहीं आएगी इतनी छिपकली, सलाम नहीं मार सकती कभी, उठा कर इसके ऊपर पानी नहीं डाल सकते ना, हाँ उठा ले उठा ले, उठा ले, उठा ले ना, सर ये कोई बात नहीं होती, सर पागल हो तू क्या, पागल हो तू सुन क्या, मजा आ गया, मजा। विशाल जी कहाँ है? विशाल जी मुझे भी नहीं पता कहाँ है, ना मुझे बाहर दिख रहा है, ना मुझे उधर दिख रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया मेरा भाई, बिना बताए भाग जाते एक तो, वो खड़ा अंकल के पास में बातें कर रहे अंकल से, चलो
उसे करने दो बातें, तब तक मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या शॉपिंग करके आया था। ये कड़ा, ये सिल्वर का कड़ा है, ये वैसे मुझे गिफ्टेड मिला है, मुझे नहीं पता था। कल करता हूँ फोन, मुझे नहीं पता था कि मैं इतना अच्छा हूँ कि मुझे बर्थडे पे इतने सारे गिफ्ट मिलेंगे। इन भाई लोगों ने भी और घर वालों ने भी और सबने मुझे गिफ्ट करे, और ये गिफ्ट भी किसी स्पेशल ने दिया है। मैं किसी का ऐसे नाम नहीं बता रहा कि किसने क्या चीज़ दी, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आया। ये मेरे पास ना एक लोहे का या स्टील का कड़ा था, मैंने कहा कि मैं वो डाल लेता हूँ। कड़े का मैं मतलब नॉर्मल सही डालना होता, उसमें कुछ ऐसा स्पेशल लेंगे यूज नहीं, लेकिन नहीं, ज़बरदस्ती मैं तो कुछ और ले लूँ, नहीं कड़ा ही लेना है, सिल्वर का ही लेना है, कड़ा ही लेना है, सिल्वर का ही लेना है। पता नहीं क्या जीतती, मेरे को लगा वश वश में तो नहीं करना मुझे कड़ा पहना के, ऐसा कुछ हो ना तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वश में हम सब के हैं, आप लोगों के भी और घर वालों के भी, क्योंकि दिल मिले हुए हैं ना हमारे, तो हम सबके वश में ही रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और लग तो वैसे सुंदर आया, थैंक यू सो मच आपने दिया। आप वीडियो अगर देख रहे हैं तो वैसे देख ही रहे होंगे, जब इतने स्पेशल हैं, जितने खास हैं कि आप हमें ये कड़ा सिल्वर का गिफ्ट कर रहे हैं, तो आप वीडियो तो हमारी देखते होंगे। तो थैंक यू सो मच फिर से। और अभी समय हो चुका है 8:20, तो स्टोर क्लोज करने का टाइम हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट रहते हैं। ये पीछे से आवाज़ें आप इसकी सुन रहे होंगे, चूहा पुआ कानों में बालियां लगा के, ये देखो। अच्छा जी, बेबंद कर लो ना इसने कानों में बालियां लगा के, कमल होया रहता है क्या बोल देगा, उसे ना मारूंगा। अभी हम मिलते हैं आपको सीधा लाइट बंद करके। चले जी, लाइट हो गई है बंद। अमेजोन का एक ऑर्डर आना है, सुसला आई नहीं लिया, आई थिंक यानी कितने दिन हो गए, फिर बात हो जाकर। चलो भाई चल, यार कान से निकालेगा नहीं बालियां आज। अंग्रेज का बच्चा। चलो अभी हम चलते हैं सीधा घर, और आपको जाके मिलेंगे सीधा घर पर। दीपक को फोन कर लेता हूँ, अगर आ रहा होगा फ्री हो गया तो आ जाएगा। चलो मैं मिलता हूँ आपको सीधा घर। पहुँच चुके हैं घर, सारे कुत्ते भागम भागी कर रहे हैं। हाय हाय, कौन आ गया? हाय, कहाँ बैठी है बिल्ली? फिटी हुई है, तबीयत ठीक नहीं है आपकी? कहा हुआ आपको? वो ताला टूट गया मेरे। ये टूट गई? ओए इतनी नौनी नौनी बैंगल्स, ये तो बहुत सुंदर, इतनी सुंदर सुंदर है, मेरे को दे दो। ये वन मैं पहन लूं? ये नहीं आएगी, थोड़ी सी आ जाएगी, टू फिंगर में आ जाएगी, टू फिंगर में पहन लूं? कौन से कलर की पहनूं, मेरे पे कौन सी अच्छी लगेगी, कौन सी अच्छी लगेगी मेरे पे? हैं ये वाली पिंक कलर, दो पिंक कलर की, आराम से पहना दो मेरे को, पहना दो, पहनाना। आ गई सुंदर सुंदर, चल रहा है मिठो, चल रहा है थोड़ा थोड़ा, चल रहा है, चल बाय। चलो जी बच्चों से मिल लिए, पापा के लिए लड्डू बेसन के, पापा के फेवरेट है। बैग उठाना है, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। भाभी बना रही है डिनर, मम्मी बन रही है पानी, लाइट्स ऑन। और अब कर देते हैं हम हमेशा की तरह इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, और आ लेते हैं हम आप लोगों से विदा। कल सुबह हम फिर मिलेंगे ऐसे ही ड्रेस में, ऐसे ही एक अच्छे प्यारे दिन के साथ। आशा करते हैं आपका दिन अच्छा गया होगा। इस ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पे एंड, समाप्त खत्म। अगर आपने वो लोग यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर बता देना। स्टे हेल्दी स्टे सेफ, फिर मिलते हैं, बाय बाय। कैसे है? ये रोने की ना मेरी शक्ल बहुत गंदी लगी, ये एक नंबर का रो रही थी। बता दो मैडम कैसे रो रही थी? मैं भी